उत्तराखंड विधानसभा की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक एक मंडल का जिम्मा सौंपा है। बता दें कि इन मंत्रियों को अपने अपने मंडलों में पार्टीजनों के साथ निरंतर बैठकें करने और जनता दरबार लगाने के लिए कहा गया है। वही भाजपा की कोशिश है कि उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी, सतपाल महाराज को उखीमठ, रेखा आर्या को अगस्त्य मुनि, सुबोध सुनियाल समेत गणेश जोशी को सतेरा खाल मंडल का जिम्मा दिया गया है। जाहिर है उपचुनाव में इनके कौशल की भी परीक्षा होनी है, वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। वहीं अब देखना होगा कि मंत्रियों का कौशल कितना रंग जमा पाता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, आज देश में जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए क्या? हरियाणा में चुनाव चल रहे, उत्तराखंड से लोग नहीं गए क्या? मैं राजस्थान नहीं गया क्या? मैं पंजाब नहीं गया क्या चुनाव में? हम एक परिवार के नाते पूरे देश में जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरी जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देते हैं। इसी तरह से हमारा केदारनाथ चुनाव है, एक ही चुनाव हमारे सामने इस समय। हमारे पास मंत्री हैं तो भेजेंगे ना, जिन पर कुछ है ही नहीं वो क्या भेजेगा? हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ना, तो सिस्टम को हम अपने काम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इसके लिए होता है सिस्टम, संगठन किस लिए होता है? सरकार के प्रभारी मंत्री किस लिए हैं? हमारे पास इतना बड़ा तामझाम है तो तामझाम का हम उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अब कांग्रेस में कुछ है ही नहीं तो रोने ही रोएंगे, उसको क्या कर सकते हो? उसको जनता ने उनको उस हालत में पहुंचा दिया, वो तो सिर्फ यही कहेंगे साहब इन्होंने सब झोंक दिया, अभी तो हम और झोंकेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा ना। और केदारनाथ में इनकी जो दुर्गत करेंगे जिंदगी भर याद करेंगे।